नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ NCR। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के वॉल स्ट्रीट ओमैक्स में। यहां पर त्रिदिवसीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समापन हो रहा है। यहाँ पर मंच पर आसीन है मुख्य अतिथि के तौर पर गोपाल शर्मा, जो कि भाजपा से जिलाध्यक्ष हैं। हम अंदर चलेंगे कार्यक्रम में, देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम के अंदर। यहाँ पर गरीब स्तर के जो माली रूप से जो कमज़ोर हैं गरीब लोगों के लिए यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है। उन्हें एजुकेट किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है फैमिली प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, उन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जा रही है और गरीबों को दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जा रही हैं। ये जो कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उस कालखंड में हमारे जो धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, जो NGOs हैं, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और रेड क्रॉस के जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर फरीदाबाद में कोई भूखा ना रहे, शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो योगदान दिया, जो सहयोग दिया, उसके लिए आज उनको हमने सम्मान किया है। और निश्चित रूप से उनका सम्मान बहुत बड़ा सम्मान बनता है उनका, क्योंकि उन्होंने जिस समय लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो बीमारी से घबरा रहे थे, एक बहुत बड़ा एक टेंशन थी लोगों के दिमाग में कि भी हम घर कैसे छोड़ें, ऐसे समय में अपने घर छोड़ना और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाना, उनको भोजन वितरण करना, जो गरीब आदमी हैं जिसके पास दवाई नहीं है दवाई का वितरण करना, छोटे बच्चे हैं उनको दूध की व्यवस्था करनी, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फरीदाबाद में कोई भूखा नहीं रहा। जैसे कि आप रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके कार्यक्रम में क्या क्या हुआ आज, कुछ क्या कुछ खास रहा? ये हमने यहाँ पे लेबर के जो श्रमिक हमारी महिलाएं हैं उनके लिए हमने हेल्थ जाँच शिविर लगवाया था, ताकि उनकी जो भी बीमारियाँ हों वो कहीं जा के बता नहीं पाती, ये खुद जा भी नहीं पाती हैं, इसलिए इनको हमने यहीं पे शिविर लगवा दिया और लगवाते भी रहते हैं, ताकि ये अपनी वही समस्या सॉल्व हो जाए, इनको मेडिसिन मिल जाए और सबसे बड़ी बात है फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ मिल जाएं। इनमें सबसे ज़्यादा कमी है कैल्शियम वगैरह की है, जो बेसिक होती है, इतने वीक होती हैं ये, इसलिए दिक्कत तो होती है इनको, तो यही इन्हें मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेडिसिन नहीं है वो इनको प्रोवाइड हो जाएगी, साथ साथ ही मिल जाएगी। आज आपके अनुसार सुबह से जब से कार्यक्रम चल रहा है तब से अब तक कितने लोगों ने चेकअप करवा लिया होगा अंदाजा? नहीं, हमारा सिर्फ बेसिक ही लेबर महिलाएं थी और लोग नहीं थे, हमने सिर्फ महिलाओं के लिए लेबर वाली महिलाओं के लिए लगाया था, तो 60-65 महिलाएं का हो चुका था। जैसा कि आपने देखा कि एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट सुषमा गुप्ता जी। और ये जो कार्यक्रम किया गया ये उन लोगों के लिए किया गया जब कोविड का दौरान समय बहुत विकट चल रहा था, तब लोगों ने छोटे छोटे NGOs हैं और बड़ी बड़ी NGOs हैं, उन लोगों ने गरीब लोगों की मदद की, जिनको जूते चप्पल की ज़रूरत थी उन्हें जूते चप्पल प्रोवाइड करवाए, दूध मुहैया करवाया नवजात बच्चों को, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो NGOs आगे आई थी उन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम रखा था कोविड-19 उत्कृष्ट कार्य सम्मान समारोह। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर किया गया है और 3 दिन का रक्तदान शिविर का आयोजन था जो कि आज समाप्त हुआ है। यहाँ पर रक्तदान के लिए वैन भी लगाई गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रक्तदान महादान है। जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे उन लोगों की याद में ये रक्तदान शिविर लगा था। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सागर पांचाल के साथ हर्षवर्धन को दे इजाज़त। धन्यवाद।